हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आजकल गर्मियों में ठंडा ठंडा कुछ भी हो अच्छा लगता है, तो मैं एक ठंडा ठंडा सा ही एक बना रही हूँ। कुछ मैं मैंगो बहुत आ रहे हैं आजकल, तो मैंगो की मैं लस्सी बना रही हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। तो उसके लिए मैंने मैंगो लिया है, थोड़ा सा काट के, जैसा कि आप देख ही रहे हैं ऐसे कट करके ले लिया है। और ये मैंने थोड़ा सा दही लिया है जो कि 200 ग्राम के करीब होगा, डेढ़ कटोरी के करीब है। तो चलिए बनाते हैं मैंगो लस्सी। ये देखिए मैंने एक जग लिया है और उसमें ये हम दही को डाल देते हैं। आप जितनी बनाना चाहो उसके अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। ये दही मैंने ले लिया, अब इसको हम इस मदानी से या जो भी आपके पास मिक्सचर हो उससे इसको मत लेंगे। इसमें अब पानी डाल देंगे एक डेढ़ गिलास के करीब। फिर से मत लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंगली पानी डाल सकते हैं। आप गाढ़ी लस्सी पीना चाहते हैं तो पानी कम डालें, और अगर ठीक ठीक पीना चाहते हैं तो पानी ज़्यादा डाल दें। ये इसको मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ। अब इसमें हम ये मैंने देखिए इस तरह से पल्प बना लिया है मैंगो का, वो डाल देंगे इसमें। अगर आम मीठा है आपका तो चीनी की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती है, नहीं तो आप अपने स्वादानुसार चीनी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि पिसी हुई चीनी जल्दी घुल जाती है और उसमें हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहे पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप साबुत भी डाल सकते हो, उसको घोलने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसको फिर से घोल लेते हैं। ये देखिए हमारी लस्सी मैंगो की बन के रेडी हो गई है। अब इसको सर्व करते हैं। अब इसको हम सर्व करते हैं। एक गिलास ले लिया मैंने, उसके अंदर ये लस्सी डाल दिए। ये मैंने थोड़े से मैंगो के पीसेस बचा लिए थे, ये मैंगो के पीसेस डाल देते हैं हम। और ये पुदीने का पत्ता मैंने सजा दिया। तो ये देखिए हमारी मैंगो लस्सी बनके रेडी है, बहुत ही टेस्टी लगती है और गर्मियों में ये पीना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी तरह से आप भी बनाइए, खुद भी पीजिए, दूसरों को भी पिलाइए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।